हेलो फ्रेंड्स, नायक इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम किसी स्ट्रक्चर की स्लैब को रेडी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी स्टेचिंग को रेडी करना रहता है, और स्टेचिंग में हमें क्या क्या सामान लगता है और उनकी क्वांटिटी को हम कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको हर नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम शो किया है, ठीक है। एक डायग्राम मेरा ये वाला है और सेकंड डायग्राम मेरा ये वाला है, ठीक है। इन डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हम जब स्टिचिंग को रेडी करते हैं तो हमें कितना सामान लगता है और कौन कौन सा सामान लगता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमें लगता है कैपलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने डोटेट में शो किया है, ठीक है, ये मेरे कैपलॉक है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर लेज़र्स, जो हॉरिजॉन्टल आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मैंने दो टाइप के लिए है लेज़र। एक 1200 mm वाले लिए है, ठीक है, 1.2 मीटर का, और एक लिया है मैंने 950 mm का। और 950 mm और 1200 mm वाले लेज़र मैंने अलग अलग क्यों लिया, इसका क्या बेनिफिट है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमें निकालना है यू जैक और बेस जैक, ठीक है। तो यू जैक और बेस जैक, जितने हमारे कैपलॉग होते हैं उतने हमारे यू जैक होंगे और उतने ही हमारे बेस जैक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि हमें कैपलॉग कितने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर वाले, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रक्चर हो, अगर उसकी जो स्लैब है उसकी जो लेंथ अगर 6 मीटर रहती है और उसकी टोटल विप्त है वो 12 मीटर रहती है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैंने ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर देखे हैं उनकी विप्त 12 मीटर होती है, उनसे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 12 मीटर की विप्त में बताऊँगा कि 12 मीटर विप्त होने पर हमें कौन से लेज़र इस्तेमाल करना चाहिए और उनका क्या बेनिफिट है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपलॉग की क्वान्टिटी कि हमें एक 6 मीटर वाले स्लैब में कैपलॉग कितने लगेंगे, ठीक है। तो कैपलॉग, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें हमारी एक लाइन में कैपलॉग कितने लग रहे हैं, ठीक है। हम फर्स्ट लाइन में कैपलॉग की क्वांटिटी गिन लेते हैं कि हमारा कितना कैपलॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कितना लिया है, 1200 mm वाले मैंने लेज़र लिए थे, ठीक है। और मेरा जो एक कैपलॉग से दूसरे कैपलॉग की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो कितनी रहेगी, 1250 mm। वो कैसे, क्योंकि जो हमारा एक कैपलॉग की जो उसकी मोटाई होती है, ठीक है, वो 50 mm की होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो लेज़र कितना है, 1200 mm का है। अब यहाँ पर जो हमारा लेज़र कैपलॉग था, ठीक है, जो हमारा एक डॉट है वो कितना है, कैपलॉग है, ठीक है। तो कैपलॉग की मोटाई कितनी, 50 mm की है। तो 25 mm हमारा इस तरफ से और 25 mm हमारा इस साइड से, मतलब कि हमारे एक कैपलॉग के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1250। तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 लेज़र लगाए हैं, 10 लेज़र में मेरी कैपलॉग कितने हो जाएंगे, एक तो हमारा एंड पे लगता है, एक स्टार्ट में लगता है और एक एंड पे लगता है, मतलब कि जितने हमारे लेज़र है उससे एक ज़्यादा हमारा क्या लगेगा, कैपलॉग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैपलॉग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, ये हमने 11 लिख दिया है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितनी लाइन है, किसकी, कैपलॉग की, इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है, ठीक है। तो इनटू में कर लेता हूँ 6, और इनको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 66 नॉस, मतलब कि हमारा जो कैपलॉग है वो 66 नॉस लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेस जैक लिया है वो भी 66 नॉस लिया है, और यू जैक लिया है वो भी 66 नॉस लिया है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो यू जैक और बेस जैक होते हैं वो कैपलॉग के एक तो बॉटम में लगते हैं, ठीक है, जो कैपलॉग का बॉटम होता है उसमें हमारे बेस जैक लगते हैं, बेस, ठीक है, और यू जैक हमारे टॉप पे लगते हैं कैपलॉग के, ठीक है। और यू जैक के ऊपर हम जो आई सेक्शन वाले गर्डर रहते हैं उनको रख सकते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हम चैनल बिछा के हम हमारी प्लेट को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो कैपलॉग लिया उसकी हाइट ली है 3 मीटर, तो 3 मीटर हाइट होने पर मैंने 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर, हाइट पर, ठीक है, मैंने लेज़र को लगाया, और लेज़र की मैंने कितनी लाइन दी है, टोटल 3 लाइन दी है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैपलॉग में, ठीक है, 500 mm की डिस्टेंस पर एक कटोरी टाइप का बना होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको जो मेरा एक वीडियो में इसके ऊपर और बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कैपलॉग होता है उसमें एक जो कटोरी को हम कटोरी में हम लेज़र को कैसे फिट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक कटोरी से दूसरे कटोरी की जो डिस्टेंस होती है वो 500 mm की होती है, 0.5 मीटर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1-1 मीटर की हाइट पर 3 लेज़रों का इस्तेमाल किया है, ठीक है।
तो जितना हमारा यूजेक रहेगा, जितना हमारा केपलॉक रहेगा, उतने हमारे यूजेक और बेसजेक हो गए, ठीक है। अब हमें निकालना है लेज़र, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप के लेज़र का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये आप ये निकालने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो उनकी जो केपलॉक है, केपलॉक की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, यूजेक बेसजेक, ठीक है, जितना हमारा केपलॉक रहेगा उतना निकल जाता है, लेकिन लेज़र निकालने में असफल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने दो टाइप का लेज़र लगाया है, ठीक है, 1200 वाला और 950 वाला। तो सबसे पहले मैं आपको 950 वाले लेज़र की क्वांटिटी निकालना बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारा एक लाइन में, ठीक है, एक रो में कितने लेज़र लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी शो करी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कि एक लाइन में हमारे पास कितने लेज़र लग रहे हैं, वो है 5, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, जितने हमारे केपलॉक है उतने ही क्वांटिटी में हमारे पास कितने हैं लेज़र है, तो सीधा कर लेंगे, 5 × 11 तो निकल आएगा कितना है, 55, ठीक है। मतलब कि एक लाइन में, अगर इस लाइन में अगर बात किया जाए, ठीक है, पूरे में, ठीक है, पूरे में तो हमारा कितना लग रहा है, 950 वाले 55 नोट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी लाइन है, 3 लाइन है, तो 55 में हम सीधे 3 का इंटू कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तो निकल आएगा कितना, 165, ठीक है। तो हमारे 950 वाले लेजर कितने हो गए, 165 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 1200 वाले, ठीक है, ठीक है। अब 1200 वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम गिन लेते हैं कि हमारी इस लाइन में, ठीक है, जो इस लाइन में टोटल हमारे पास कितने लेज़र लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग भी शो करी है, टोटल कितने लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, ठीक है। और 10 इंटू हम कर देंगे कितनी लाइन में लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जितने भी हमारे केपलॉक की लाइन थी, ठीक है। तो सीधा कर देंगे, 10 × 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 60। तो इस लाइन में हमारे कितने लग गए हैं, 60 लग गए हैं। टोटल हमारे पास कितनी लाइन है, 3 लाइन है, तो सीधा 60 × 3 कर देते हैं, तो कितना निकल आएगा, 180, ठीक है। तो 1200 में वाले लेजर हमारे पास कितने हो गए, 180, और 950 वाले कितने हो गए, 165। ये हमें किस स्लैब में लगे हैं, 1 × 6 मीटर वाले में, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो तो यहाँ पर 5 मीटर है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो कैप भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। कैप हमारी कितनी रहती है, लगभग 500 mm की हमारी कैप होती है, और ये हमारा एकदम फिट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने 1200 वाले लेज़र और 950 वाले लेज़र क्यों लिया है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेट होती है, ठीक है, हमारे पास जो प्लेट की साइज़ होती है वो 1250 mm की होती है, ठीक है। उसकी जो लेंथ रहेगी 1250 और 1 मीटर की रहती है, मतलब कि 1250 × 1 मीटर वाली रहती है, ठीक है, 1000 mm की रहती है। तो अगर हमने ये प्लेट मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लगाया है, ठीक है, तो हर प्लेट के जॉइंट पे, ठीक है, एक प्लेट मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, सेम मेरी प्लेट यहाँ लग रही है, सेम प्लेट मेरी यहाँ पर लग रही है, तो जहाँ जहाँ मेरा प्लेट का जॉइंट आएगा उन जॉइंट पर ही मेरा केपलॉक खड़ा रहेगा, ठीक है। ये केपलॉक जो वर्टिकल मेरे वर्टिकल सपोर्ट, ठीक है, केपलॉक रहेंगे, यहाँ पर जो मेरा यू जैक रहेगा, इसी के ऊपर जो भी लोड आएगा वो मेरे जॉइंट पर रहेगा, और जॉइंट पर रहने पर जो भी प्लेट पे जो भी लोड रहता है, अगर देखा जाए तो जॉइंट पे उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी स्लैब रहेगी वो एकदम हैवी रहेगी, जो हमारी स्टिचिंग रहेगी वो एकदम हैवी रहेगी, बस, ठीक है।